जितने भी लोग मुझे अभी देख रहे हैं, जितने भी लोग मुझे अभी सुन रहे हैं, ऑन अर्थ सारे धरती के वासी, डायरेक्ट दिल से एक बात कहना चाहूँगा। कुछ चीज़ें हैं दोस्ती की जो काफ़ी खूबसूरत है, लाइक वो चीज़ें इतनी अनएक्सप्लेनेबल है, इतनी अनसेड है, अनसेड रूल है, कि मैं ये समझता हूँ कि एलियंस की खोज जो हुई है वो रियल है। मैं समझता हूँ कि एलियंस रियल है, मैंने मान लिया, बट जो दोस्ती की जो खोज है वो अभी भी पेंडिंग है। कोई उसके डेप्थ तक कभी जा नहीं पाएगा। दोस्ती इतनी खूबसूरत है, उसके जेस्चर्स इतने मैजिकल है कि वो मैजिक को कोई कभी रिवील कर नहीं पाएगा। वो रिवीलिंग है ही नहीं। वो आपने जोक सुना है क्यों बे, बाप को विश नहीं करेगा फादर्स डे पे? मैं ये समझता हूँ कि एक दोस्त बाप की तरह होता है। काफी मेटाफोरिकली बात कर रहा हूँ, बट रिश्तों को गलत मत समझ लेना, सेक्युलर रहना रहना प्लीज। मैं ये क्यों समझता हूँ कि दोस्त बाप की तरह होता है, क्योंकि टाइम पर तुम्हारे साथ खड़ा होता है, तुम्हें टाइम पर पैसे दे देता है, तुम्हें डांटता भी है, ललकारता भी है, तुम्हें सही एडवाइस देता है। यही तो है दोस्ती, ये कुछ अलग कनेक्शन है। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारा दोस्त तुम्हारे पास आता है और बोलता है भाई चल चल कुछ खा के आते हैं, और उस टाइम पर तुम्हारे पास पैसे नहीं है और तुम उसे बोलते हो कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है यार, मैं नहीं आ सकता, तो वो पता तुम्हें क्या बोलेगा? मैंने तुझे पूछा क्या, तू चलने का काम कर बस, ऐसे बोलता है ना। क्यों क्यों होता है ये? इसका कोई जवाब है आपके पास? कुछ अलग कनेक्शन है ना दोस्तों के साथ। तीन जन एक बाइक पर सवार कर रहे हैं, मजबूरी नहीं है, मजबूरी नहीं है, मजा आता है। तीन जन एक बाइक पर, बाइक है बट उन्हें पता है कि पकड़े जाएंगे तो साथ में पकड़े जाएंगे, फाइन भी भरेंगे, और यही चलता आ रहा है स्कूल से। स्कूल में तुम एक बैड इन्फ्लुएंस के साथ बैठते हो, उसी के साथ ही टीचर बोलती है कि गेट आउट ऑफ द क्लास, और तुम जाते हो और बाहर जाके तुम हंसते हो, मजा आता है ना। जितने भी पेरेंट्स अभी मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं उनसे एक बात कहना चाहूँगा, अपने बच्चों को कभी मत रोकना बैड इन्फ्लुएंस से बात करने में। बहुत ज़रूरी है उनको अच्छे दोस्त भी बनाने में और बुरे दोस्त भी बनाने में। आपका बच्चा बुरे दोस्त से भी सीखेगा और अच्छे दोस्त से भी सीखेगा, उसे कभी रोकना मत। बच्चों को परखना आना जरूरी है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। हम दोस्त कभी एक दूसरे को सॉरी नहीं बोलते, हम में वो रूल है ही नहीं, हमने वो कभी रूल बनाए नहीं। हम गर्लफ्रेंड को सॉरी बोलेंगे, माँ बाप को सॉरी बोलेंगे, बहन को सॉरी बोल देंगे, हमें सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, हम सीधा बात करना शुरू कर देंगे। क्यों भाई आंडू कैसा है, लौड़ू? तुम्हारा ब्रेकअप हो जाए, तुम बहुत मायूस हो, तुम डिप्रेस हो चुके हो, तुम्हें किससे बात नहीं करनी है, उस टाइम पर तुम्हारे दोस्त का कॉल आ जाता है ना, आ जाता है कि नहीं? सामने से मैसेज कर देगा भाई किधर है, कैसे आता है कॉल? तुम्हारे दोस्त को पता है कि तुम्हारे साथ कुछ प्रॉब्लम या भसड़ हुई है, इसलिए वो तुम्हें कॉल करता है, पूछता है कि भाई नीचे आ जा बात करते हैं। मैं काफी स्टैमर करता हूँ, अभी भी करता हूँ, बट मेरे एक दोस्त ने मुझे कभी नहीं चिढ़ाया, बिकॉज सब हंसते थे, सब मजाक उड़ रहे थे, वो ही मजाक नहीं उड़ाया। यही तो है मैजिक, तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम्हारे साथ मैजिक हो रहा है, बट ये चीजें ऐसी है दोस्ती की कि ये कैसे हो गया ऐसा। रिश्तों में दरार आ जाने से रिश्तों को बचा लेना सही होता है। अगर तुम्हारे रिश्तों में दरार आ चुकी है तो एक कॉल कर देना यार उसे, तुम्हें कॉल कर दोगे तो वो जो दरार है वो भर जाएगी, कुछ नहीं होगा। तुम अगर सामने से कॉल करोगे तो तुम छोटे नहीं होंगे, तुम कभी छोटे नहीं होंगे। दोस्तों के बीच कभी कोई चेंज नहीं होता, दोस्तों के बीच ईगो एरोगेंस एटीट्यूड नहीं होता, तुम छोटे हो जाओ उसके सामने। अगर तुमने तुम्हारे दोस्त से पिछले 5 या 10 साल से बात नहीं की हो, किसी भी कारण के वजह से तुम्हारा झगड़ा हुआ हो, तुम
तुमने उसे उसने तुम्हें गाली दी हो या कुछ भी हुआ हो, मैं ये चाहता हूँ कि अगर आप इस वीडियो के एंड तक पहुँच चुके हो तो उसे एक बार कॉल कर देना यार, क्योंकि सिचुएशंस खराब थी, टाइम खराब था, इसलिए तुम्हारी दोस्ती टूटी। बट वो टूटी भी नहीं है, तुमसे बात नहीं कर रहे, उसे एक बार कॉल कर देना। तुम अगर कॉल करोगे सामने से तो वो रिश्तों की दरार मजबूत हो जाएगी कि वो दरार कभी फिर से टूटेगी नहीं। उसे कॉल करके सॉरी मत बोलना, आई लव यू मत बोलना, आई मिस यू मत बोलना, सिर्फ इतना बोलना कि वह बहुत सड़ी गए, कैसा है, उसे बहुत अच्छा लगेगा, उसके दिल में तुम्हारी इज्जत बहुत बढ़ जाएगी। दोस्ती का यही है मैजिक।